हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शाफ सिनेना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है नाइफ। आज हम नाइफ के बारे में बात करेंगे, नाइफ होता क्या एक शेफ के लिए। तो इस टॉपिक को आप एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सोचते होंगे नाइफ हम तो घर में भी चलाते हैं, घर में भी वेजिटेबल्स काटते हैं, सब कुछ करते हैं, नाइफ एक चलाना है क्या, ये कौन सा स्किल्स है। ये एक शेफ का स्किल्स है नाइफ चलाना, कि नाइफ को कैसे चलाना है, नाइफ की जो कैसे उसकी देखभाल करनी है। तो ये सब जो है एक शेफ का काम होता है और शेफ के लिए ये एक उनका हुनर है, उनका स्किल्स है शेफ के लिए। तो इस स्किल्स को आपके अंदर भी ये स्किल्स आ सकता है और आप सोचते हैं कि ये तो बहुत इजी है, बट इजी तो है, बट जो आप घर में चलाते हो नाइफ और जो होटल में जब आप एक शेफ बन जाते हो वो चलाना बिल्कुल डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। घर में तो जैसे हम आम औरतें हैं, आम लेडीज है जो अपना घर में सब्जियां बनाती हैं, ऐसे काटती हैं, बट जो चॉपिंग बोर्ड पे जो चॉपिंग कर लेता है उनको कहते हैं प्रोफेशनल शेफ। तो पहले बात करते हैं नाइफ आपके होने कैसे चाहिए। आप कई बार फर्स्ट टाइम आप ट्रेनिंग के दौरान जाते हो और आपने कई शेफ को देखा होगा कितनी स्पीड से वो नाइफ चलाते हैं, कितनी अच्छे से कटिंग करते हैं, और उनको आप सोचते हो कि डर नहीं लगता उनको, इतनी तेजी से वो नाइफ चलाते हैं। बट जब आप भी ये धीरे धीरे सीख जाओगे तो आपको भी जो अच्छे से नाइफ चला पाओगे, आप भी आग बंद करके आप पट्टी बांध के आप अच्छे से नाइफ चला सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है जो आपकी फिंगर्स होती है उसको अंदर की साइड में रखना है और ऐसे पकड़ना है जैसे नाइफ है यहाँ लगना चाहिए आपके, ताकि आपको टच होता रहे। तो जैसे ही वो टच होता रहेगा आप अपने आप अपनी फिंगर जो है पीछे करते चले जाओगे, तो उससे क्या है आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी फिंगर पे टच हो गया, मींस अब मुझे थोड़ा हाथ पीछे कर लेना चाहिए। और आपका जो नाइफ है आपको ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर हाइजीनिक हो और सैनिटाइजर करा हुआ हो, और ऊपर से जो आपका जो नाइफ है शार्प होना चाहिए। आप सोचते हो कि जितना शार्प होएगा तो मेरी कई फिंगर्स कट ना जाए, मेरी कोई भी उंगली कट ना जाए, मेरे नेल्स ना कट जाए उस नाइफ की वजह से। बट अगर आप ये सोचते तो वो आप गलत हो। जितना नाइफ शार्प होएगा उतने अच्छे से आप कटिंग भी कर पाओगे अच्छे से, और आप अच्छे से सीख भी पाओगे। अगर आपका नाइफ शार्प नहीं है तो उतनी ही आपकी जो है फिंगर कटेगी और आपके जो नेल्स हैं वो भी कट सकते हो और आपको डर हो सकता है। और अगर आपका जितना अच्छे से शार्प होएगा नाइफ तो आप इतनी अच्छी चॉपिंग कर पाओगे और आप कोई भी चीज़ आसानी से काट सकोगे, चाहे वो चिकन होए, फिश होए, मटन होए, चाहे कोई भी वेजिटेबल्स होए। फिर बात करते हैं हम नाइफ जो है कितने तरह के होते हैं। हमारे पनीर काटने के नाइफ अलग होते हैं, वेजिटेबल्स के अलग होते हैं, फिश के अलग होते हैं, मटन एंड चिकन के अलग नाइफ होते हैं। अलग अलग तरीके के नाइफ से ही हम ये चीज़ जो है इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं आपने एक छोटा सा नाइफ ले लिया और आपने उससे पनीर भी काट दिया, वेजिटेबल्स भी काट दी, और आप उससे चिकन काटने की कोशिश कर रहे हो, बट आपसे वो चिकन नहीं कटेगा। और या फिर आपने किसी शेफ कोई बुचरी में जो शेफ होते हैं उनको आपने देखा है बड़े नाइफ से चिकन काटते हैं, और आप सोच रहे हो कि मैं उससे अनियन काट लूँ या वेजिटेबल्स पोटैटोस काट लूँ, अनियन पील कर लूँ, बट उससे आप उसका जो है उससे जो है आपका हाथ कट सकता है। आप सोच तो रहे कि मैं ये कर लूँगा बट वो उससे डर है। आपको यही करना चाहिए, जौन सा नाइफ जिस चीज़ का आपको उस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। बट आजकल तो जो मार्केट में जो नाइफ आ रहे हैं वो भी जैसे चॉपिंग बोर्ड है हमारे उसी तरह के आ रहे हैं, ब्लू नाइफ हमारे सी फूड के इस्तेमाल के लिए, ग्रीन नाइफ हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए, वाइट नाइफ हमारे पनीर के लिए, एंड हमारे जो रेड नाइफ है वो मटन या मीट के लिए, हमारे जो हैं इस तरह के नाइफ आ रहे हैं जिससे आपको आसानी से पता चल सके ये नाइफ कौन सा है। या फिर आप कंफर्टेबल जो होटल में यूज़ होते हैं वो नाइफ का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और अच्छा प्रॉपर होना चाहिए, उसकी जो शेप एकदम अच्छी होनी चाहिए, 20 डिग्री का जो आगे से शेप होती है वो होनी चाहिए। और यहाँ तक कि जब आप शार्प करते हो, हमारे होटल में जो है शार्प के पत्थर होते हैं, आप उनसे शार्प करिए, और जब शार्प करते समय आप पत्थर के नीचे एक कपड़ा रख लीजिए ताकि जो आपका शार्प करते समय जो है आपके जो पत्थर है वो खिसके ना, आप इधर से उधर ना होए। अगर खिसकेगा नीचे स्लिप होएगा आपका पत्थर तो आपका हाथ में लग सकती है और आपका जो है चोट हो सकती है। नाइफ के जो है रॉड भी होती है शार्प करने के लिए, आप बुचरी के जो बुचरी डिपार्टमेंट में जो बुचरी के शेफ है वो जो शार्प करती है अपने नाइफ को वो रॉड से
शार्प करते हैं, बट ज़्यादा भी अगर रॉड से आप शार्प करोगे तो नाइफ जल्दी से ख़राब भी हो सकते हैं। और आपको जो है नाइफ हमेशा जो है अच्छे से साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। जितना आप अच्छे से अपना शार्प रखोगे, क्लीन रखोगे, उतना ही अच्छा आपका नाइफ चलेगा। नाइफ को जो है प्रॉपर हाइजीनिक, जैसे कुछ भी आपने इस्तेमाल करा, मटन काटा, चिकन काटा, उसको अच्छे से वॉश करें, सैनिटाइजर करें, ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो हट जाए और आपको जो नाइफ अच्छा चले। और आपके अंदर अगर आप नए हो, आप नए होटल में एंट्री करें और आपको सोचते हो कि मुझे जो है कभी आ ही नहीं सकता नाइफ चलाना, बट आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, ये आपकी स्किल्स है, जितनी प्रैक्टिस करोगे वो इतनी आपकी स्किल्स बढ़ती चली जाएगी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि नाइफ हमारे एक शेफ के लिए कितने मायने हैं। उनके अंदर ये एक स्किल्स है, मीन्स एक पावर है नाइफ की। और ये जो नाइफ, अगर आप सोचते हो कि मुझे ऐसे पकड़ना है, वैसे पकड़ना है, बट जैसे आपको कंफर्टेबल आप वैसे पकड़िए। ये नहीं कि वो जो शेफ है उन्होंने ऐसे पकड़ा था, मैं भी ऐसे पकड़ूं, कंफर्टेबल आपको देखना, क्योंकि सबका अपने अपना टेक्निक होता है, अपने अपना जो है उसके उनके अंदर अपना हुनर होता है कि वो किस तरह से पकड़ते हैं, उनकी खुद की कला है कि वो आगे से पकड़ते हैं, पीछे से पकड़ते हैं, ऐसे दबा के पकड़ते हैं, या वो ऐसे चलाते हैं या फिर ऐसे चलाते हैं, वो अपनी अपनी कला है। आपको ये देखना कि आप कंफर्टेबल कैसे हो, आप इस तरह पकड़ते हो, इस तरह पकड़ते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल है उसी तरह, क्योंकि चलाना आपको ना कि दूसरों को। आप अपने हिसाब से देखें आपको कहाँ से कंफर्टेबल है। और याद रखें, जब भी आप नाइफ किसी को देते हो, पकड़ाते हो, तो हमेशा जो पीछे का हिस्सा पकड़ने वाला उसको आपने आगे रखना है, और जो उसकी जो नाइफ है शार्प है उसको आगे से पकड़ के आपने यूं देना है। ये नहीं आपने सीधा यूं पकड़ाया, क्या पता वो शार्प नाइफ है उन्होंने एकदम पकड़ा, उनका हाथ भी कट सकता है, तो ऐसे नहीं पकड़ाना। ये एक अच्छी मैनर्स नहीं होती एक शेफ के लिए। अगर आप एक प्रॉपर शेफ है तो आपको पता होना चाहिए किसी को आप नाइफ पकड़ा रहे हो तो आपको कैसे पकड़ाना चाहिए। और अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपके आसपास आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई खड़ा ना हो, क्योंकि तो आप फटाफट से आप शार्प नाइफ कर रहे हो, कोई भी चीज़ काट रहे हो सकता है आपने एकदम से नाइफ को यूं करा और पीछे कोई खड़ा है आपके या साइड में आपको कोई खड़ा है, तो उनको जो है हानि पहुंच सकती है। तो आई होप आपको पता चल गया है। ये एक छोटी सी वीडियो थी नाइफ के लिए। अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।